नमस्कार दोस्तों, शगुन मॉम्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आम रस। आम को तो आपने बहुत तरीके से खाया होगा, बट आम रस का अपना ही मज़ा है। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। मैंने इस तरीके से चार आम को छील कर ले लिया है, तो आप भी इसी तरीके से छील कर ले लीजिए। और इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसकी गुठलियाँ मैंने अलग रख ली है। और इसे मैं मिक्सर ग्राइंडर में फाइन पेस्ट बना लूँगी। इसका जो टेस्ट है ना, मैं क्या ही बताऊँ भाई। इसको आप खुद ही बना के खा लेना, फिर मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। तो चलिए, मैंने इसे काट लिया है। अब एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, उसमें हम इसे सारे जो कटे हुए थे वो सारे हमने इसमें डाल दिए और इसे एक बार अच्छे से फाइन पेस्ट बना लिया है। तो अब एक बाउल लेंगे। बाउल के ऊपर मैंने इस तरीके से स्ट्रेनर रखा है और जो हमने मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट किया था, स्पून की सहायता से सारे पल्प को मैं इस तरीके से निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं ये निकल चुका है। अब इसे साइड कर देती हूँ। अब इसमें फटाफट से मिला दूंगी मैं बाकी का इंग्रेडिएंट्स। तो इस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ अभी। अब डाल देती हूँ मैं बाकी का इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें मैं अब डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच चीनी का पाउडर। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, मैंने चीनी का पाउडर डाला है क्योंकि ये जल्दी घुल जाता है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी दूध। दूध मैंने ठंडा ही लिया है, तो इस तरीके से मैं दूध डाल रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है ये थोड़ा सा ज़्यादा पतला चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा दूध डालिएगा, कम चाहिए तो कम डालिएगा। मैंने कम ही डाला है, थोड़ा सा बस ऐड कर रही हूँ। मुझे लग रहा थोड़ा और लगेगा तो मैंने ऐड किया। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें डाल देंगे अब हम इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून। ये टोटली आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो आप डालिएगा, अगर नहीं पसंद है तो मत डालिएगा। तो मैंने इस तरीके से मिला लिया। अब मुझसे वेट नहीं हो रहा, मैं चली खाने। तो मैंने इसे एक सर्विंग बाउल में सर्व कर दिया है। कुछ केसर के धागे के साथ इसे गार्निश कर लेंगे। वाह, थैंक यू फॉर वॉचिंग।